एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। अभी मैं जस्ट घर से बाहर निकला हूँ और देखने जा रहा हूँ कि आसपास क्या चीज़ें एक्सप्लोर करी जा सकती है। कल एक फ्रेंड आया था मेरा मिलने के लिए, जिसने मुझे बताया कि यहाँ पे टोरंटो के अंदर, बाकी एरियाज़ का मुझे नहीं आइडिया, बट टोरंटो में फूड बैंक्स हैं। सो बेसिकली अभी मेरे को एग्जैक्टली उसका भी नहीं पता है कि आप कौन से परमिट पर होने चाहिए तो आप फूड बैंक का यूज़ कर सकते हो, बट मैं जा कर के देख रहा हूँ कि एग्जैक्टली फूड बैंक का यूज़ कैसे किया जा सकता है और मेरे करंट स्टेटस पे मेरे को चीज़ें मिल सकती हैं कि नहीं मिल सकती। सो बेसिकली फूड बैंक है क्या, यहाँ पे हर एक एक जगह पे, हर एक एक पर्टिकुलर लोकेशंस में कुछ फूड बैंक्स बने हैं जहाँ पे गवर्नमेंट आपको बेसिकली राशन प्रोवाइड करती है। नॉट एग्जैक्टली राशन नहीं बोल सकते, बट यस बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, जैसे कि वो बता रहा था कि दूध के डब्बे मिल जाते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स हैं, क्रेनोला बार्स मिलती हैं, दही मिलती है, योगर्ट मिलता है, फ्लेवर्ड मिल्क भी मिलता है। खैर काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें एक्चुअली मिलती हैं, मेरे स्टेटस पे मेरे को ये चीज़ें मुझे मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। आइसक्रीम खाला जा रहा है, मेरे स्टेटस पे मेरे को ये चीज़ें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, और मिलेंगी तो कितनी सारी मिलेंगी, जा कर के मैं देख के आपको बताता हूँ, और जब चीज़ें मिलेंगी तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको दिखाऊँ वहाँ पर। और लेट्स सी, जगह को भी एक्सप्लोर करते हैं, आसपास देखें। अभी खैर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पास में मैंने सुना है एक छोटा सा मॉल है, रैदर यहाँ पे जो छोटे मॉल्स होते हैं उसको ये प्लाज़ा बुलाते हैं, और जो बड़े मॉल्स होते हैं उनको मॉल बुलाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे यहाँ पर आकर के पता चली, ये कुछ डंपिंग एरियाज़ होते हैं यहाँ पे। अभी तो खैर यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली मुझे टायर दिख रहे हैं, वो भी अच्छी कंडीशन के हैं, एक गद्दा पड़ा है और बाकी कुछ डब्बे वब्बे पड़े हैं। सो बेसिकली एक तो होता है डंपिंग ग्राउंड जहाँ पर आप अपना कचरा फेंकते हो, एक तरीका ये होता है, मतलब बेसिकली खैर मैंने कनाडा के अंदर ही सुना है, आई थिंक यूएस के अंदर भी ऐसा होता है, अगर कोई चीज़ आपके यूज़ की नहीं है और आप उसको बेच नहीं पा रहे हो तो आप उसको अपने घर के बाहर रख दो ले जा कर के। जब गारबेज वाली वैन आएगी, जब गारबेज ट्रक आएगा बेसिकली, वो उठा करके ले जा लेगा। इन केस अगर गारबेज ट्रक नहीं लेकर के जा रहा है, या वो गारबेज ट्रक बेसिकली अगर वीक में एक बार ही आ रहा है या दो बार ही आ रहा है, उस केस में आसपास किसी की रिक्वायरमेंट है अगर उस पर्टिकुलर सामान को लेकर के, तो वो भी उस सामान को लेकर के जा सकता है। मैंने सुना है कि खैर काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं उसमें, बीट टेबल चेयर्स, लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बाहर छोड़ते थे, बिकॉज यहाँ पे डिस्पोज करने का जो हिसाब किताब है ना, वो खैर काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, उससे बेटर लोग ईज़िली बाहर मार्केट से जाकर ही खरीद के ले आते हैं, बिकॉज आपको वो डिस्पोज करना है या किसी और को भी इवन ख़रीदना है तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फूड बैंक की बात कर रहा हूँ, जो मेरा फ्रेंड आया हुआ था उसने मुझे बताया कि वो फूड बैंक से सामान लेकर के आया था, और इतना ज़्यादा सामान था कि वो शायद ही दो थैलियों में नहीं आ पाया उसका, और एट दी एंड उसको ऊबर करनी पड़ी, तो करीबन उसका $15-20 उसके ऊबर में लग गए, बट एज़ कम्पेयर्ड ट्रैवल चार्जेस के, अगर वो शायद इतना सामान अगर वो ख़रीदने के लिए जाता मार्केट में तो शायद उससे ज़्यादा का मिलता। तो कहता है कि अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, इसीलिए मैं भी जा करके उसको ट्राई करना चाह रहा हूँ। फिर ग्रीन सिग्नल खुला हुआ है तो मैं पार कर सकता हूँ, यहाँ पे आसपास एरिया बड़ा सूदिंग है। अभी मॉर्निंग जब मैं उठा तो वेदर बड़ा ही अमेजिंग था, चाय वाय पी मैंने, अपना ब्रेकफास्ट करा, और जब मैंने देखा वेदर फोरकास्ट में तो उसमें बारिश दिखा रहा था, वही बहुत ज़्यादा वाली बारिश। मुझे लगा यार आज का दिन गया,
फिर कुछ भी यूज़ नहीं कर पाऊँगा मैं। बट हार्डली एक डेढ़ घंटा बारिश हुई होगी, ज़बरदस्त बारिश, और अब खैर धूप निकल गई, आसमान पूरा साफ़ हो गया और अच्छी तेज़ वाली धूप है। इतना ज़्यादा क्लीन रहता है कि जो धूप पड़ती है ना, वो धूप भी बड़ी तेज़ पड़ती है, और आपको यहाँ पे सनस्क्रीन का यूज़ करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। अगर आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं करोगे तो टैन हो जाओगे बिल्कुल, जैसे मेरी टैनिंग अभी स्टार्ट हो गई है फ़िलहाल। पता नहीं कितने दिन ऐसा चलेगा। खैर मैंने सुना है कि सर्दियाँ भी काफ़ी एक्सट्रीम होती हैं जब स्नोफॉल होती है, तो उससे कंपैरेटिवली बेटर यहाँ की गर्मियाँ ही हैं। और खैर ये मेरा पीछे का रूट है पूरा का पूरा, और अभी जो ख़तरनाक वाली धूप निकली हुई थी वो बिल्कुल हल्की हो गई, और अगेन मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो बारिश हो जाए। फटाफट चलते हैं मॉल की तरफ और देखें वहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। प्लस जैसे मैंने बताया था कि लोग अपने घर का सामान बाहर रख देते हैं, फिर काफ़ी कुछ चीज़ें काफ़ी क्लीन होती हैं, कुछ बिल्कुल गार्बेज होता है। बट हाँ, किसी के अगर काम का ज़रा सा भी कुछ है तो वो यहाँ से आकर के उठा के लेकर के जा सकता है। जैसे गद्दा है तो फिर ओवरऑल गद्दा तो ठीक है, बट फिर गद्दा तो ठीक है लेकिन उसके अंदर बग्स देखने पड़ते हैं। अगर बग्स हुए, बिकॉज़ यहाँ पे सारे घर लकड़ी के होते हैं, अगर बग्स होए, आपने सामान घर लेकर के गए और बग्स आ गए, तो जितना आपने पैसे बचाने की कोशिश करी है, आपको फ्री में मिलने की चीज़ मिल रही है बेसिकली, तो वो आपका बग्स निकलवाने में ही चले जाएगा हिसाब किताब। तो चीज़ें देख करके सोच समझ के लेनी पड़ती हैं। खैर मैंने अभी तक तो नहीं लिया ऐसा कुछ भी, और ना ही मैं ऐसा कुछ एक्सप्लोर कर रहा हूँ, खरीद देते हैं जाकर के चीज़ें। खैर जिन लोगों को नहीं पता, कैनबीज जो है वो कनाडा में लीगल है। इवन कैनबीज की ट्रेडिंग होती है ट्रेडर्स के लिए स्पेशली। कैनबीज जो है इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होती है। यहाँ पे कैनबीज बेचना बिल्कुल लीगल है, कंज्यूम करना बिल्कुल लीगल है। मैंने अभी अंदर परमिशन ली टू रिकॉर्ड दी कैनबीज स्टोर, तो ओनर ने कहा कि भाई मेरी फेस वगैरह नहीं आनी चाहिए, एंड खैर ओनर ने कहा कि मेरा फेस या वो सब आप मत लो, खाली आप रिकॉर्ड कर सकते हो इन्फॉर्मेशन अगर आपको शेयर करनी है, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली लीगल फॉर देम टू प्रमोट इट, और खाली यहाँ पर रख सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, बेचना इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बट उसको प्रमोट करना, उसको एडवर्टाइज़ करना, इट इज़ एक्चुअली नॉट ओके। बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने क्या चीज़ें देखी और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। इवन यहाँ पे कुछ चॉकलेट्स भी थी, कुछ गमीज़ थी,
अगेन देर वर सम अदर फ्यू थिंग्स, मेरे को ज़्यादा कुछ खास आइडिया नहीं है उसके बारे में. सो यू कैन हैव अ लुक एट दी वीडियो और देख सकते हो कि एग्जैक्टली क्या है. सो दिस वॉज दी स्टोर डिटेल्स. वेल दिस इज दी स्टोर डिटेल. स्टोर कब खुलता है कब बंद होता है. ओके Yeah. 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 Yeah.